सो यहाँ पर एक फास्ता आके बैठी हुई है, ये देखिए। ये उड़ गई, दोनों भी दोनों ऊपर जाके बैठी हुई है। हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि मैं अभी मोबाइल लेके क्यों निकला हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी फ्लाइट पे था, कबूतरों को दाना पानी मैंने दे दिया, तो अभी मैंने कबूतरों को दाना पानी दे दिया था, तो वहाँ से राफे ने कहा मुझे ग्रीन कलर की चीज़ें जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, तो अभी मैं तो आपको बता रहा था, राफे ने कहा था, ये देखिए मैं सब कबूतरों को खोल के गया था, अभी मैं दाना पानी दे रहा था, क्यों राफे सही बात है ना, अभी दाना पानी ही दे रहा था मैं कि राफे ने चादर उठाया फैर में चूजा का और मुझे बताया कि उसका ग्रीन चूजा एक्सपायर हो चुकी है। मैं भागते हुए गया और फटाफट जाके मैं अपना मोबाइल लेके आ गया कि आप लोगों को अपडेट देना पड़ता है। मैं आज बहुत थका हुआ था क्योंकि मैं गया हुआ था अपने भाई को छोड़ने के लिए, मेरे भाई का आज फर्स्ट ईयर का पेपर है, तो मैं गया था फर्स्ट ईयर के पेपर था दैन भी का, तो मैं कह रहा दैन को छोड़ने के लिए, तो मैं बहुत थका हुआ था। आज मैं राफे को बोला था, राफे तुम जाओ अकेले खाना दो ना, तुम्हें अकेले खाना देना है ना, तो राफे अकेले खाना देना आया बता, तो बस राफे ने मुझे ऐसी खबर पहुँचाई, मैं लेके आ गया क्योंकि आप लोगों को अपडेट देनी थी। क्या कर सकते, खैर कि ग्रीन चूजा मर गई, आप लोगों को अपडेट इस बात की देनी थी, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ग्रीन चूजा वाली, ये देखिए। कल शाम में मैंने इसे खाना दिया, तकरीबन सभी ठीक थी, खाली हमारी वाइट वाली चेक थोड़ी बीमार थी, ये वाइट वाली चूजा ही थोड़ी बीमार थी। कल से मैंने इन लोगों की नई डाइट शुरू की थी, मुझे लगता है राफे कैमरा पकड़ने में रहा था, तुमने बोला था कल से कि है कौन, मैंने मिंकू को पर भी काट दिया था कल, मिंकू टिंकू दोनों में काट दिया था, भाग कर जो है ना वो ऊपर भाग गए थे। आपको बता रहे थे कि मैंने कल इसकी नई डाइट शुरू की थी, तो जैसे कि मैंने आपको दो तीन वीडियो पहले बताया था कि इन लोगों की नई डाइट जो है फीड और चोकर है, तो फीड और चोकर मैंने स्टार्ट किया था, परसों मैंने फीड और चोकर दिया था सुबह और शाम, और कल मैंने सुबह दिया था इन लोगों को वो फीड और चोकर, लेकिन कल शाम में इन लोगों को बाजरा और फीड गीला करके मैंने मिला के दिया था, तो मुझे तो डर ही लग रहा है, ऐसा ना ध्यान आके मुझे सुनाया डांटे कि तुमने नई डाइट क्यों करी, जब मैंने कहा था चोकर और फीड मिलाने के लिए तो तुमने बाजरा क्यों मिलाया, चोकर क्यों नहीं मिलाया, तो मुझे ये डर लग रहा है ऐसा ना उसके चक्कर में हमारा ग्रीन चिक मर गया। तो भी सब खाना खा रहे और ग्रीन चूजा दफनाने की बारी है, तो भी ग्रीन चूजा दफना देते हैं, पता नहीं है कैसे मर गया, नहीं पहले दफना दो ना, राफे कह रहे हैं कि पहले सबको खाना दे देते फिर दफनाएंगे, तो मैं राफे को बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसी नहीं होता है, जो मर जाए उसे मट्टी के अंदर दफना लाजमी होता है, मट्टी में बनी हुई चीज़ें जितनी जल्दी मट्टी में हम लोग उसको दफन कर सकते हैं तो जल्दी कर लें, तो राफे राफे जरा खुदाई करो जल्दी आओ, तो राफे अभी खोल देगा जब तक, क्योंकि खोदने में थोड़ा टाइम लगता है। इतना बड़ा है, जरा सोर बड़ा कर दे रहे सही ना, ओए टांग, ये किसकी टांग है राफे, वे ये चूज दफना दफना दोबारा दोबारा दफना, ये दोस्तों आपको टांग नजर आ रही होगी, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये किस वजह की टांग है, तो हम लोग जो पांच असली चीज लेके आए उसमें से ध्यान ने जैसे आपको बताया था एक व्हाइट कलर की चूजा थी हमारी, जो हम लोग जैसे चार है, तीन हमारी ब्लैक चूजा एक देसी और एक शायद एक सिंधी भी थी, तो वो सिंधी जो वाइट वाली है वो बीमार हो गई थी और राफे मेरे ख्याल से इधर ही दफना है और मैं भी इधर ही खोदना शुरू कर दिया हूँ, तो खैर सही है इतना बड़ा गड्ढा सही है।
निशानी तौर पे यहाँ पे क्या रखे आसान? कुछ नहीं रखेंगे, आसान सही बोल रहे, इस निशानी तौर पे इस पे फूल फूल लगा देते लगा देते इसमें येरा फूल हमारे पास बहुत ही माशाल्लाह से भी तोड़ लेंगे। कहाँ ये रहा? मैंने इधर से दफना दिया, तो फूल मैंने इसीलिए लगा दिया क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने इतने छोटे से इसे पाला था, ये बढ़ रही नहीं थी, इसीलिए मैंने इसकी मजबूरी थी मेरी, इसीलिए मैंने इसकी नई डाइट शुरू की थी ताकि ये थोड़ा बढ़े, क्योंकि बिल्कुल बढ़ रहे थे। खैर खाली चूज़ा हम लोग को लेनी नहीं चाहिए थी, हम लोगों ने लेके गलती कर दी। तो खैर दयान ने मुझे पहले गिफ्ट दिया था 3 चिक्स ला के मेरा, फिर 2 ऑरेंज चिक वाइट थी, दयान ने मुझे ला के गिफ्ट दिया, तो मैं भी उसके चैलेंज में आके मैंने भी दयान को 4 से 5 चूज़ा ला के गिफ्ट कर दी। तो ये हम लोगों को खैर नहीं करना चाहिए था क्योंकि फार्मी चूज़ा बहुत नाजुक होती हैं, वो मर जाती हैं, बहुत मुश्किल से बड़ी होती हैं, जो लोग सही पालने वाले होते हैं सिर्फ वही बड़ा कर सकते हैं। और हमारे इतना पैसा भी ज़ाया हुआ, 50 रुपये, इतनी महंगाई हो गई कि 50 पैसे की बात नहीं है दोस्तों, ये पैसे की बात नहीं है, हम लोग दिल से लाए थे, अपने खुशी से लेके आए थे इसको, तो अभी मुर्गा मुर्गी को खाना वगैरह दे देंगे हम लोग, मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस वाइट वाले के लिए भी दुआ करिए, ये भी थोड़ा बीमार लग रहा है, ये जिंदा रहे थे वाइट वाले का, मुझको मुश्किल लग रहा है, इसका हरकत देख सकते हैं वाइट वाले, अभी पीछे का जो हड्डी होता है ना दोनों पाँव के बीच का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल चुका है, और उसके मुंह में मुंह से पता लग रहा है उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, तो वाइट वाली मुझको लगता है अब नहीं बच पाएगी, जो मुझे चांस लग रहा है वो पिंक और ब्लू का चांस लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, देखिए हमारा भोलू नहा रहा है, तो बस अभी मैं मुर्गा मुर्गी दिखा दूंगा आपको, कितने देर से मैं बोलता था आपको मुर्गा, ये देखिए राफा पकड़ लिया, ऐसे देखो इसके पैर में क्या हुआ, ये देखिए इसके पैर में। दूसरा मैं एक आपको एक और बार बता दूं, इधर चूहा वगैरह बहुत आते हैं, जो चूहा वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पर, तो चूहा हमारा जो बिलो वाला चिक है हमारा, उस पर काफ़ी ज़्यादा बार अटैक भी कर चुके हैं, कभी उसके पैर में काटते कभी मुँह में। तो बस अभी मुर्गा मुर्गी आपको खोल के दिखा देना, ये भाइयों को मैं बहुत दिन से बोलते वाला मुर्गा मुर्गी का, मैं दिखाते नहीं है, सही है? तो आसान अभी इन लोगों को खोल दिए, और आसान अभी गए बड़ी बड़ा मुर्गा मुर्गी को खोलना है, अभी वो लोग खुल जाएगी, ये देखिए ये लोग कितना खुश हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो बंद कर देते हैं तो हम लोग मुर्गा मुर्गी को खाना नहीं दे, खाना देते हैं मतलब खोलते नहीं है, हम लोग हर रोज़ मुर्गा मुर्गी को खोलते हैं, हम लोग इसीलिए आपको वीडियो भी नहीं दिखाते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए ये लोग भी खुल चुके हैं। आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, कम से कम 13 मिनट की वीडियो बनी चुकी होगी, ये देखिए हम लोग बड़ों को और छोटा का गिरा फिर वहाँ पे, उधर के पीछे हमारी फीमेल है, फीमेल बोल रहा सॉरी मादी है, ये रहा हमारा मुर्गा छोटा, ये हमारा बड़ा मुर्गा छोटे मुर्गे को काफ़ी ज़्यादा दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, हम लोग भी छोड़ देते थे ताकि एक दूसरे से खेले ये, तो साथ अब एक न्यू टॉपिक के साथ, जब तक आए थे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।